हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सप्लोजर वाली फोटो एडिटिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते होंगे, ये फोटो मैंने डिगी है, वो भी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन अंदर अपने मोबाइल स्मार्टफोन में ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते रहना। इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके की फ़ोटो बनानी पड़ेगी। मैंने अभी अभी इसे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर बनाया है, तो आपको तो इसकी फ़ोटो ऐसी इस तरीके से बनाने की, कुछ छोटे छोटे फ़ोटो को जोड़कर इस तरीके की बड़ी फ़ोटो बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी फ़ोटो की लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप इस फोटो को डाउनलोड कर लेना उस लिंक से। तो सिंपली ओपन करते हैं अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर है मेरा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, तो इसे मैं ओपन कर देता हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी आप आसान से देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया हूँ। अब आपको सिंपली आपकी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं यहाँ से कर दूँगा अपनी फ़ोटो सेलेक्ट, तो ये है मेरी फ़ोटो, इसे मैंने कर लिया है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर सेलेक्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देख, इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो ले ऐड फोटो पर, यहाँ पर है ऑप्शन, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और आपको ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जो आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। उस फोटो को यहाँ पर आपको अच्छे से एडजस्ट कर देना है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे एडजस्ट। तो आप यहाँ पर देखना, तो कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ऑपेसिटी 100 दिखाई दे रही है, तो आपको इसकी ऑपेसिटी है तो इसको कम कर देना है। आपको इसकी ऑपेसिटी को कम करके एकदम 40 कर देनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी ऑपेसिटी कर देता हूँ 40, यहाँ पर हम कर देते हैं 45 कर देते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं, 45। तो ये हो चुके हैं 45। तो आपको साइड में यहाँ पर इरेजर दिखाई दे रहा है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। इरेज करने के बाद आपको इरेजर की साइज़ है बढ़ानी, तो यहाँ पर कम थी इसकी, ये साइज़ हम बढ़ा देते हैं। हम इसकी साइज़ कर देते हैं 50 करने के बाद ओपेसिटी 100% है, तो हम इसको ओपेसिटी कर देते हैं ओनली 20, यानी कि 20। और आपके हार्डनेस भी आपको 70% दिख रहे, तो इसके मैं हार्डनेस भी कम कर देता, 20 कर देता हूँ। करने के बाद आप अपने यहाँ पर इरेजर को क्लिक करके अपने फेस को यहाँ पर इरेज कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हल्का हल्का सा इरेज करना है, कुछ ज़्यादा डार्क हार्डनेस बढ़ा कर नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारा फेस हल्का हल्का ही दिखाना है हम। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कर दिया है इरेज। तो अब आपको सिंपली कर देना है इस फोटो को डन। तो राइट पर क्लिक करके मैं इसे कर दिया हाँ डन। तो आपको सिंपली यहाँ पर भी राइट कर देना है। क्लिक करने के बाद फोटो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो हमें जाना है सिंपली क्रॉप वाले ऑप्शन, यानी कि क्रॉप कर देना है फोटो को। तो हम जाएंगे टूल्स पर, क्लिक करके क्रॉप वाले बटन पर, और जितना आपकी जो फोटो है उतनी ही हमें क्रॉप करनी है, जो डाउनलोड वाली फ़ोटो है उसे क्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ। तो कुछ फ़ोटो इस तरीके से बन जाएंगी आपकी। तो अब हमें जाना है, यहाँ पर हमें जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे। तो हमें जाना है यहाँ पर टूल्स वाले बटन पे। तो टूल्स वाले बटन पे जाने पर हम करेंगे एडजस्ट पर क्लिक। एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस वाली दिखाई दे रही है, जो कि 0 है, तो हम इसे माइनस में कर देंगे। यहाँ पर मैं -20 कर देता हूँ, यानी कि 20 करने के बाद आपको कांस्टेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, तो उस पर सिंपली क्लिक करने के बाद इसका कांस्टेंट मैं बढ़ाता हूँ 20%, यानी कि 20%। तो क्लैरिटी भी हम इसकी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ इसकी क्लैरिटी 15%। ओके, तो सैचुरेशन भी हम थोड़ा सा इसका हल्का सा बढ़ाएंगे, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 15%। तो यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके। तो हमें इसे फोटो को डन कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे डन। डन करने के बाद हमें इसको करना है इफेक्ट देना है। इफेक्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो सबसे पहले वाला इफेक्ट जो है HDR, तो इस पर मैं लगा देता हूँ इस पर फोटो पर। तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो बन जाएगी। तो हमें सिंपली उसी HDR पर क्लिक कर देना है, और आपको जो फेड वाला ऑप्शन है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहाँ पर 50 कर देते हैं, तो 50 कर देता हूँ। सैचुरेशन भी थोड़ी सी यहाँ पर मैं 10% कर देता हूँ।
और ब्लर वाला है तो जो कि थोड़ा सा हल्का सा इसे कम कर देता हूँ, 20% कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अनशार्प को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देता हूँ, ये 40 है तो ऐसे मैं 40 40 कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 41 हो गया। तो कुछ इस तरह की से फ़ोटो बन जाएंगी, तो आप इसे यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आप देख सकते हो आपकी फ़ोटो काफ़ी गजब की दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको जाना है ड्रॉ टूल के अंदर और आपके फ़ोटो को यहाँ से सेव कर देना है अपनी गैलरी के अंदर, तो आपकी फ़ोटो सेव हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये वाली फ़ोटो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड भी कर लेना। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करना, और ऐसी फ़ोटो बनाने के बाद मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पर, तो मैं भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे फोटो से कुछ सीख रहे हो कि मेरी वीडियो को सीख रहे हो। तो फिर मिलते हैं, फिलहाल तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो को एंड करके।